हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजेंट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ESIC UDC के जॉब प्रोफाइल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ UDC के पोस्ट पे आपको क्या क्या काम करना होता है, इसमें आपको इनहैंड सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन आपका यहाँ पे कितने साल बाद होता है, फर्स्ट प्रमोशन आपका कब होगा, ट्रांसफर आप कैसे ले सकते हो, कितने साल बाद आप ट्रांसफर ले सकते हो, ड्यूटी टाइमिंग क्या है और वर्कलोड कैसा रहता है इसमें। तो कंप्लीट वर्क प्रोफाइल मैं आपको इस वैकेंसी की बताने वाली हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके वर्क के बारे में, इसमें काम क्या क्या आपको करना होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी पोस्टिंग जो है वो रीजनल ऑफिस में होती है या फिर हेडक्वार्टर्स में होती है या फिर सब रीजनल में होती है, तो आपको अकाउंट से रिलेटेड वर्क करना होता है। इसमें आपको ड्राफ्टिंग लेटर का काम करना होता है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस डाटा या फिर फाइल मेंटेनिंग का काम भी आपको करना होता है। और अगर आपकी पोस्टिंग ब्रांच ऑफिस नॉन कैशर में होती है, तो इसमें आपको लेटर ड्राफ्टिंग का काम करना होता है, रजिस्टर मेंटेनिंग करना होता है, आपको पेमेंट डॉक्स ऑनलाइन प्रिपेयर भी करना होता है, इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स है जिसको आप लोगों को अपलोड करना होता है। या फिर आपकी पोस्टिंग ब्रांच ऑफिस कैशर में होती है, तो इसमें आपको ब्रांच रिलेटेड वर्क करना होता है, इसमें आपको चेक इशू करना होता है, कैशबुक मेंटेन करना होता है। तो ये आपके वर्क रहते, तो ये सारे आपके काम रहेंगे इस पोस्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्यूटी टाइमिंग के बारे में। आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है और डे है, ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। अगर आपकी पोस्टिंग रीजनल ऑफिस या फिर सब रीजनल ऑफिस में या ब्रांच ऑफिस में है, तो आपकी जो ड्यूटी होती है वो 9 to 4 होती है, ठीक है। जो इसकी टाइमिंग होती है वो 9 to 4 आपकी ड्यूटी टाइमिंग रहती है और 5 दिन यहाँ पे आपको काम करना होता है। सैटरडे संडे इसमें आपको छुट्टी मिलेगी, सैटरडे संडे आपको यहाँ पे काम नहीं करना होता है। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग हॉस्पिटल में हो जाती है, इनका हॉस्पिटल भी होता है, तो अगर आपकी पोस्टिंग हॉस्पिटल्स में हो जाती है, तो उसमें जो आपकी वर्किंग डेज रहते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे 9 to 4 यहाँ पे भी आपका वर्किंग टाइम रहता है। मंडे टू फ्राइडे आपको 9 to 4 काम करना होगा, लेकिन सैटरडे यहाँ पे हाफ डे आपको काम करना होगा और संडे आपको ऑफ मिलता है। तो ये आपके यहाँ पे टाइमिंग रहते हैं और डेज रहते हैं, इतने डेज आपको यहाँ पे काम करना होता है। अगर इसकी पोस्टिंग की हम लोग बात करें कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो ESIC के फॉर्म भरते टाइम आपने रीजन सेलेक्ट किया होगा, तो जिस रीजन में आपने फॉर्म भरा है उसी रीजन में आपका यहाँ पे पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके ट्रांसफर के बारे में, कितने साल बाद आप यहाँ पे ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर आप इस पोस्ट पे 3 साल काम कर लेते हैं, तो 3 साल बाद आप यहाँ पे ट्रांसफर ले सकते हैं। आप चाहे तो आप होम स्टेट भी अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर इसके एग्जाम लेवल की हम लोग बात करें, तो इसका जो एग्जाम लेवल होता है वो किसी भी बैंकिंग क्लर्क के एग्जाम के लेवल का ये एग्जाम आपका होता है। बस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि बैंकिंग में बैंकिंग से रिलेटेड ज्यादा जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, इसमें आपका स्टैटिक GK वगैरह ज्यादा होता है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस रहता है। बाकी जो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट है वो सेम आपके बैंकिंग के पैटर्न पे रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो UDC की पोस्ट पे जो आपको सैलरी मिलती है, उसमें आपकी बेसिक पे रहती है 25,500, DA आपको 31% के हिसाब से अगर आप बेसिक पे का निकालोगे तो 7,905 रुपये आपका होगा। HRA यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, आपकी सिटी कौन सी है, X है, Y है, Z है, उसके ऊपर आपकी HRA डिपेंड करेगी। पहले जो Z सिटी में HRA मिलता था वो 8% है, अब ये बढ़ के 9% हो गया है। उसके बाद यहाँ पे Y सिटी में जो पहले HRA मिलता था वो 16% था, अब ये बढ़ के 18% हो गया है। X सिटी में जो आपको HRA मिलता था वो 24% पहले मिलता था, अब ये बढ़ के 27% हो गया है। HRA जो आपको मिलेगा वो आपके सिटी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। उसके बाद आता है TA, TA आपको 2,106 रुपये मिलेगा। अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शन होता है, उसके बाद आपकी इनहैंड सैलरी बनती है। तो इसमें जो आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी वो लगभग 40,000 प्लस आपको यहाँ पे इनहैंड सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन के बारे में, कितने साल बाद आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर आपने अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पे 3 साल काम किया है, तो आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रमोशन आपका जो होता है वो 3 साल बाद होता है अपर डिवीजन क्लर्क के बाद, तो आपका जो पोस्टिंग होगा नेक्स्ट वो असिस्टेंट के रूप में होगा। नेक्स्ट आपको पोस्ट मिलेगी असिस्टेंट के रूप में, तब आपकी जो ग्रेड पे हो जाएगी वो 42 से हो जाएगी। यहाँ पे जब आप असिस्टेंट की पोस्ट पे आ जाओगे तो आपको 42 ग्रेड पे मिलने लगेगा।
उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन होगा वो SSO की पोस्ट पे होगा। असिस्टेंट से नेक्स्ट प्रमोशन आपकी SSO की पोस्ट पे होगी। इसमें आप लोगों को पता भी है कि ESIC में डायरेक्टली SSO की वैकेंसी भी आती है, लेकिन आप यहाँ इस तरीके से भी SSO बन सकते हो। तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट आती है असिस्टेंट के बाद, तब आपकी जो ग्रेड पे हो जाएगी वो 4600 की हो जाएगी अगर आप SSO की पोस्ट पे जाओगे तो। नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन होता है वो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन होता है वो सीनियर डायरेक्टर के रूप में होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में होगा, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो रीजनल डायरेक्टर के रूप में होगा। तो ये आपके प्रमोशन रहते हैं। तो इसमें आपका करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। अगर आपने इसमें अप्लाई कर लिया हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी तक है। फॉर्म फिलअप की वीडियो भी मैंने बना रखी है, कैसे इसमें अप्लाई करना है वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। अगर यहाँ पे इसके वर्कलोड की हम लोग बात करें तो इसमें ज़्यादा वर्कलोड आपका नहीं रहता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वर्क बताया वही सब काम आपको इसमें करना होता है। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जॉब प्रोफाइल। आई होप कि आपको ये जॉब प्रोफाइल हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।